पापा हैप्पी पोला बैशाख, क्या बोलते नववर्ष, प्रणाम जनाई पापा को सर प्रणाम कर लेते, फोन में तो बोला है, मम्मी को भी कर लेते, नववर्ष प्रणाम जनाई सब एसएमएस भाइयों को हैप्पी 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 बिहू, रंगाली बिहू का हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरे बंगाली भाई बहन है आप सभी को हैप्पी पहला बैशाख नववर्ष प्रणाम जनाई। तो ये कपड़ा को मैं आज पहनूंगा एज ए न्यू क्लॉथ, तो कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। तो बीच में गणेश जी है और यहाँ पे देखिए ये है अपना न्यू पंजी का, और इसके नीचे जो टाली बुक रखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे आम का पत्ते से ऐसे यहाँ पे लगा के रखते हैं। पूरा मछली यहाँ पे, दाल यहाँ पे भी, मछली का करी, अभी तो चिकन आना बाकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज द बॉय पीतम। आज मैं YouTube चैनल एक्सप्लोर विद पीतम, होप सब जहां भी होंगे ताबड़तोड़ मस्ती कर रहे, बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिलहाल इस ब्लॉग की शुरुआत रात के 8 बजे कर रहा हूं, क्योंकि मैं जस्ट अभी रूपम जी का घर से आया। एंड सबसे पहले जितने भी मेरे बंगाली भाई बहन है आप सभी को हैप्पी पोला बैशाख नववर्ष प्रणाम जनाई। जो मैंने बुजुर्ग जितना भी है, जो तो बड़ो मानुष आछे उनादेर नववर्ष प्रणाम जनाई, एंड जो छोटो जन आछे उनादेर नववर्ष भालोबाशा। आई एम नॉट सो गुड इन इन बांग्ला, एक्चुअली हम बांग्ला बहुत कम ही बोलते हैं, बट आई एम ए बंगाली। मैं अलीपुरद्वार वेस्ट बंगाल से हूँ, एंड बॉर्न तो वहीं पे हुआ हूँ, ब्रॉट अप अरुणाचल प्रदेश में हुआ, तो मेरा इतना अच्छा नहीं है बंगाली ना, तो मैं इतना बोल नहीं पाता हूँ। तो जो पोला बैशाख है इसका मतलब होता है, पोला मीन्स फर्स्ट एंड बैशाख मीन्स बैसाख महीना का पहला दिन है आज 14th of April। इसके पहले 13 तक हम लोग पूरा घर का सफाई वफाई एवरीथिंग हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। एंड हमारे बंगाली में एक चीज होता है पंजिका बोलते हैं हम लोग, जिसमें हमारा तिथि लिखा रहता है, जैसे चंद्र ग्रहण हो गए, कोई भी पूजा का या शादी का या कुछ भी एनी रिचुअल को वो तिथि का हिसाब से करता है। वो एक बुकलेट होता है जिससे हम लोग सब कुछ देखते हैं। लेट मी शो यू द पंजिका। तो ये जो यहाँ पे है ना, ये पंजिका है, फल रखा हुआ है, ये पंजिका है हम लोग का, ठीक है ना। ये पुराना पंजिका है, जो नया पंजिका है उसको आज खोला गया है, और आज ही खोलना, उसका पहले नहीं खोलने से नियम होता है हम लोग का, तो उसी से हम सब कुछ देखते हैं। तो पोला बैशाख का कुछ हम लोग का नियम होता है कि पोला बैशाख में हम लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एंड अपने परिवार वालों को, जैसे पापा घर का बड़ा है, तो छोटा जब हम लोग था तो हम लोग का हर पोला बैशाख में कपड़ा देते थे, अभी भी देते हैं। एंड नाउ हम बड़ा, अभी तो घर पे बेटा हम ही हैं, दीदी बाहर है, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कुछ घर पे देने का, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ फिलहाल, तो कुछ दे नहीं पाया, तो घर के लिए बस थोड़ा सा चिकन लेके आया, क्योंकि पहला दिन में हर चीज़ करना पड़ता है हमें, तो मैं घर के लिए थोड़ा सा चिकन लेके आया। सोचा था मम्मी पापा के लिए कपड़ा खरीदूंगा, और मैं अपने लिए पहले एक कपड़ा खरीद कर रखा था जो मैंने खोला नहीं था, तो ये कपड़ा को मैं आज पहनूंगा एज ए न्यू क्लॉथ। तो ये मैंने बाइकिंग लास्ट ईयर बाइकिंग ब्रदरहुड का जैसे मैंने एक क्लॉथ खरीदा था, मतलब टी शर्ट है जो कि बाइक चलाते समय हम यूज़ कर सकते, तो नया कपड़ा पहनूंगा आज। एंड बिसाइड डेट आसामिस लोग का बिहू है, उनका भी आज पहला बैशाख महीने का पहला दिन में, उन लोग भी आज न्यू ईयर मनाते हैं जैसे हम लोग बंगाली लोग मनाते हैं। प्लस अरुणाचल में जो ये चकमा ट्राइब लोग जो है, जो जहाँ पे हम लोग जाके आए अभी रूपम जिले का, उन लोग का भी आज पहला नव वर्ष है मतलब ना, तो आज हम लोग का इंग्लिश कैलेंडर और बंगाली कैलेंडर अलग होता है, ठीक है ना। बहुत लोग पूछते हैं कि बंगाली न्यू ईयर क्यों बोलते हो, तो इनका एक मिनट, तो हम इन दोनों का ना कैलेंडर अलग अलग होता है, तो हम लोग का बंगाली कैलेंडर या आपका चकमलों का कैलेंडर वो आज से शुरू होगा। तो मैं घर पे आया हूँ तो आपको सब कुछ दिखाता हूँ, पहले पूजा वूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको कैसे कैसे दुकान में क्या क्या पूजा वूजा हुआ है, सब कुछ हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा आराधना कर लेते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, तो थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं दुकान में मम्मी ने कैसे कैसे पूजा किया है। आज दुकान में गणेश जी का हम लोग पूजा करते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए पहले कपड़ा पहन लेते फिर हनुमान चालीसा पढ़ते। सो गाइस, नया कपड़ा पहन लिया, देखिए कैसा है। मैं एक्चुअली बाइक का ज्यादा क्रेज रखता हूँ, तो बाइक के रिगार्डिंग ही मैं कोई भी टी शर्ट वीशर्ट भी लेता हूँ। तो भी सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पूजा, उसके बाद आपको दुकान में जाकर दिखाएंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तू लोक जय राम रात्रि बल अंजनी पुत्र पवन सिंह महावीर विक्रम बजरंग कुमती निमर सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवीर कानन गुण गुण जीर विद हार बजर राजा विराज कांदे मुझे ने शंकर सुमन के तेज पुत्र महाराज गुण विदंग अच्युत राम काज करी भगत
प्रभु चरित्र के सुनने पर राम लखन सीता मध्य सूक्ष्म जरा बाबा भीम रूप दे सारे रामचंद्र के कैसे वाला सज्जन लखन जय श्री रघुवीर हर्ष उल्लय रघुपति के लिए बहुत बड़ा तम मम प्रिय भक्ति संभय. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हमारा पूजा करना हो गया. तो अभी मेन आपको दिखाता हूं जो दुकान में पापा पूजा करते हैं हर साल, क्योंकि जो भी बिजनेस करते हैं उन लोग बंगाली लोग स्पेशली, तो पहला वैशाख में नया खाता चेंज करते हैं ना, और आपका जो दुकान का बाहर आम पत्ता से हम लोग कुछ कुछ बनाते हैं. कैसे करते सबको आपको दिखाऊंगा. साथ ही साथ हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं, क्योंकि गणेश जी श्री गणेश करते हैं हर चीजों का ना. तो चलिए दिखाते हैं आपको. तो यहाँ चलते हैं. तो हमारे यहाँ में थोड़ा कंजस्टेड है, बोल के हमने पूजा यहाँ पे किया. देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए. तो बीच में गणेश जी है और यहाँ पे विश्वकर्मा है, यहाँ पे भी गणेश जी है, यहाँ पे दो भगवान है, हमारा गुरुदेव है, और यहाँ पे प्रदीप और धूना जला के रखे हुए. पूजा किया मम्मी ने यहाँ पे. और यहाँ पे देखिए ये है अपना न्यू पंजी का, और इसके नीचे जो टाली बुक रखा हुआ है उसमें वो कल उठाया जाएगा. उसमें कल से हम लोग जो बाकी खाता क्रेडिट जो लेते हैं ना वो उसमें नोट किया जाएगा, पुराना खाता से वहाँ पर उठाया जाएगा. तो टाली बुक को भी आज के दिन ही शुरू किया जाता है, मतलब न्यू सेशन के लिए. जैसे बैंक का फिस्कल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होता है, वैसे हमारा ये नव वर्ष शुरू हुआ, मतलब बंगाली का. तो हमारा जो बंगाली कैलेंडर में आज से शुरू हुआ नव वर्ष. तो ये अपना दुकान में ऐसे पूजा किया जाता है. अब आपको दिखाता हूँ जो हम दुकान के बाहर में ये देखिए. तो हम लोग ऐसे आम का पत्ते से ऐसे यहाँ पे लगा के रखते हैं, ये पूरा साल रहता है. नेक्स्ट ईयर फिर अपने आप झड़ जाता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर ये बदला जाएगा. तो ये नेक्स्ट ईयर तक रह जाता है, कुछ कुछ बच जाता है, तो फिर से साफ करके हम लोग लगाते हैं. तो इसमें आप देखिए सिंदूर का टीका भी होता है, एक दो बिंदी ये देखिए यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो. तो ऐसे दो तरफ है, दोनों तरफ में हम लोग ऐसे लगाए हैं. यहाँ पे देखिए यहाँ भी लगाए हैं, यहाँ पे लगाया हुआ है. तो ये कुछ चीजें करते हैं. और क्या क्या चीज करते हैं पापा जी? आम पत्ता पूजा ये तो मेन है ना, ये तो मेन है. और बाकी जितना भी आज के दिन में जितना भी गेस्ट आएगा उनको, मतलब जो भी दुकान में आएगा उनको मिठाई विठाई प्रसाद वसाद देगा. और आज के दिन में हम लोग उधार नहीं देते, क्योंकि आज पहला दिन है ना, तो हम लोग उधार एकदम नहीं देते, चाहे वो 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया. आज के दिन में एवरीथिंग विल बी कैश ना. आज के दिन में लक्ष्मी बाहर नहीं जाना चाहिए ना, लक्ष्मी आना चाहिए जितना भी हमारे घर पे आ जाए. आज के दिन हम उधार नहीं देते, खरीदारी भी नहीं करते, जैसे धनतेरस में खरीदारी करते हैं ना, आज के दिन में खरीदारी भी तो नहीं करते ना, वही मतलब लक्ष्मी को आज के दिन में एंट्री करने देते हैं हम लोग ना. तो अभी आपको भी पापा हैप्पी पोला वैशाख, क्या बोलते नव वर्ष, प्रणाम जनाई, पापा का प्रणाम कर लेते हैं. फोन में तो बोला है, मम्मी को भी कर लेते हैं. तो अभी मम्मी को भी थोड़ा प्रणाम कर लेते हैं. ये देख सकते हैं आप मम्मी. हाँ मम्मी, नव वर्ष प्रणाम जनाई. कोई पारकता तो एक्चुअली सुबह सुबह मैं रूपम के घर में जब था तो आंटी से आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि मैं आज आऊंगा नहीं आऊंगा, सुबह में प्लान ऐसा कुछ नहीं था. तो सुबह सुबह जब आंटी आशीर्वाद दे रहा था तो मैं आंटी से आशीर्वाद दे लिया था, पर उसका मैं वीडियो शूट जिसको करने बोला था वो वीडियो ऑन ही नहीं किया था. चलो हर चीज वीडियो में दिखाना भी अच्छा नहीं लगता. तो वो बच्चा आशीर्वाद ले रहा था, हम भी आंटी से आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि सब लोग आंटी से आशीर्वाद ले रहे थे, तो गुरुजन है तो हम भी ले लिए जाके आशीर्वाद. तो ब्लेसिंग तो मिल ही चुका था. तो ऐसा कुछ होता है हमारा जो पोला बोशक, छोटा मोटा मैं आपको शॉर्टकट बताया हूँ. अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे और सीरियल्स देख रहे हैं एंड घर पे हूँ. बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर ऐसा त्यौहार में घर पे होना बहुत जरूरी होता है. लेकिन क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे बाहर भी एक्सप्लोर करने जाना पड़ता है. बहुत लोग अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बाहर निकले तो आपको ब्लॉग्स का चीजें अपग्रेड हुआ है, घर पे रहते तो आपको ब्लॉग्स मजा नहीं आता है. हर किसी का होम ब्लॉग्स नहीं चलता है, मेरा होम ब्लॉग्स एकदम ही नहीं चलता. जैसे अजमेर का होम ब्लॉग्स बहुत चलता है, वो अगर बाहर एक्सप्लोर करने निकलता है उसको कोई देखता नहीं है, तो उसे घर का ही देखने में लोग पसंद करते हैं. मेरा क्या है, हम जब बाहर एक्सप्लोर करते हैं वो देखने लोग ज्यादा पसंद करते हैं, घर का पसंद नहीं करते. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी फिलहाल छुट्टी था, अभी मैं शिफ्ट होने वाला उसका पहले, तो मैं चला गया. अभी फिर से कितना बाद में ये सब कर पाऊंगा नहीं पता, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और ये नई साल अगर अच्छा हुआ तो जरूर आप लोग को हम अच्छे से अच्छे कंटेंट देते रहेंगे. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाइक को भी थोड़ा पानी छिटका के थोड़ा पूजा कर लूँ, क्योंकि आज पहला दिन है. एंड एक बार मैं अपना ट्यूशन हॉल में भी विजिट करके आऊंगा, क्योंकि जो भी हो, क्योंकि आज के दिन में बिजनेस, मेरा भी बिजनेस है कोचिंग सेंटर, तो मेरा प्रोफेशन वही से मैंने कमाया, जो कुछ किया है सब कुछ कोचिंग से ही किया है. तो उसको भी थोड़ा सा साफ सुफ करके अगरबत्ती जला के आएंगे. तो रात का 8 बज रहा है, अभी थोड़ा मैं रेडियो के चलता हूँ, पहले थोड़ा बाइक को अगरबत्ती जला लेते हैं, उसके बाद चलते हैं
कोचिंग की ओर। One hour later. So guys, काफी दिनों बाद मैं ट्यूशन हॉल आया, about 15 days बाद में, और ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये इन्वर्टर से जल रहा है, जो इन्वर्टर में चार्ज था उससे जल रहा है। 15 दिन तो चार्ज हुआ था ना, कल परसों या चार दिन पहले ही इसका कनेक्शन काट दिया बाहर में। सेफ्टी फ्यूज जो है वहाँ पे आपको सेफ्टी फ्यूज कोने में दिखाई देगा, या से सेफ्टी फ्यूज है ना उसको खोल के रख दिया, उसमें कनेक्शन काट दिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्शन काटने का रिक्वेस्ट दे दिया था, बेकार का बिल आएगा एंड चीज़ों को भी पैकिंग वैकिंग करनी है। तो अभी ये अपना भगवान जी है, काफ़ी ज़्यादा धूल वूल लग गया तो मैं थोड़ा साफ कर रहा था, एंड अभी थोड़ा मोमबत्ती जला देते हैं यहाँ पे, मोमबत्ती जला के फिर हम पर निकल जाएंगे, क्योंकि पहला दिन में करना चाहिए, किताबों लोग भी धूल वूल पड़ गया, थोड़ा सा सफाई करके चले जाएंगे हम लोग। तो काफ़ी इस रूम को देखने से ना नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ, पर वही है, कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है गाइस, ये भी है। चलो फटाफट पूजा करते हैं, इमोशनल हो जाता हूँ बार बार में, पूजा करते निकलते हैं। सिचुएशन लाइफ का ऐसा है ना, क्या बोलो। So guys, ट्यूशन हॉल से हम घर आ गए, और घर आते ही थोड़ा देर इंस्टाग्राम लाइव गए, उसके बाद मम्मी देखिए डिनर लगा दिए, पूरा मछली, यहाँ पे दाल, यहाँ पे भी मछली का करी, अभी तो चिकन आना बाकी है। आए हाय हाय, मुंह में पानी आ रहा है, पानी, चार पांच दिन मम्मी का खाना मिस किया था। आए हाय हाय हाय, खाना पड़ेगा अभी, खाना काफ़ी ज़्यादा देख के भूखी लग गई हमको तो। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, यही था चिकन, मैं इसको फिश करी सोच रहा था, फिश तो यहाँ है। मेरे साथ स्कैम हो रहा है, सुबह से स्कैम ही हो रहा है। सूखा सूखा दाल बनाओ नहीं, हो जाएगा। बहुत टेस्टी है, ऑल राइट गाइज, फाइनली डिनर खाना खत्म हो गया, अभी हम लोग सोएंगे। तो आई होप आपको ये पहला बोशा वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अभी आप देख सकते हो मैंने गामोसा लगाया, बाइक से खोल के लगाया, अभी नया गामोसा था, क्योंकि बिहू भी आज ही है, और सब एसएमएस भाइयों को हैप्पी 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 बिहू, रंगाली बिहू का हार्दिक शुभकामनाएं। एंड कल अगर वक्त मिलेगा तो हम बिहू का व्लॉग भी एक बनाएंगे, हम बिहू को सेलिब्रेट करने भी जाएंगे, तिनसुकिया या रोइंग कहीं एक जाएंगे। तो इस ब्लॉग को अगर बहुत अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं फिर से नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी मन की किरण दिल्ली से रिसर्व बॉय पे तुम साइनिंग आउट, जय हिंद जय भारत, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।